हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। आज हम जो मैथ्स का ट्रिक का सीरीज स्टार्ट किए हैं एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, सीडीएस के लिए और रेलवे बैंकिंग के लिए, उसका पार्ट 12 है। अभी तक आपने मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे पढ़ाने का 24 ईयर का करीब एक्सपीरियंस है, उसका आप लोगों को फ़ायदा होगा। और मेरा फेसबुक का भी पेज है, उसको भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। एकेडमिक से लेके और कंपटीशन का, सारे जितने भी कंपटीशन होते हैं, कैट सैट एसएससी बैंकिंग, सबका लगभग मैं तैयारी कराया हूँ। और मैं फॉरेन बोर्ड को भी बच्चों को पढ़ाया हूँ, जो कैम्ब्रिज का बोर्ड है, जो आईबी बोर्ड है। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनडीए का हमने वीडियो डाला हुआ है, सीडीएस का वीडियो डाला हुआ है, एकेडमिक का भी, ट्वेल्थ का डाला हुआ वीडियो। तो ये सब आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ये भी क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो ट्रिक में इसमें है क्या, इसको इधर लेके आएंगे, जब ये मैं सॉल्व कर दूंगा तब आप लोगों को बिल्कुल ईजी लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 1 को एक साथ लेने का, प्लस हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम ये 2x को इसके साथ हम ले लिए, x की जो फैमिली है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो, y का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या होता है कि दो स्क्वायर का सम क्या होगा, जीरो कब होगा, जब इंडिविजुअल ये भी जीरो और ये भी जीरो हो। किसी भी दो स्क्वायर का सम आपका जीरो तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे, क्योंकि इस स्क्वायर जब हम करेंगे तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, अब पॉजिटिव दो पॉजिटिव ऐड करके जीरो कभी नहीं, कब जीरो होगा, जब ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा। ये जीरो होगा तो x माइनस वन जीरो, तो x की वैल्यू क्या वन हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब x की वैल्यू वन और y की वैल्यू यहाँ जीरो, हम क्या करेंगे, पुट करें, x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये वन क्यूब हो जाएगा वन और प्लस क्या हो, जीरो। तो आंसर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसको ये समझ में नहीं आएगा तो ये वैल्यू, ये क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो ये ट्रिक नहीं समझ पाएगा। अब देखो जिसको ये पता है कि x माइनस, जिसका होल स्क्वायर स्ट्रांग है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, y माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसको पता है कि 2ab में ही आता है आपका 2x आता है, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर या x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो पता चलेगा x माइनस वन आएगा ये वाई स्क्वायर, और पता है कि ये जीरो आएगा तो ये x इक्वल टू वन होगा, वाई जीरो होगा, तो x की वैल्यू इसमें वन पुट कर देंगे, ये वाई जीरो तो x की वन। ये जिसको ये पता होगा ट्रिक, ये देखते सोचेगा x वन आ गया वाई जीरो हो गया, तो ये इसमें x वन पुट करेगा वाई जीरो, तो ये मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे उसको क्वेश्चन करने में, जिसको ये ट्रिक आता होगा। ये क्वेश्चन नंबर 67 है, कर इफ ये कर 3a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देन ये आपको रिलेशन निकालना है ए बी सी का। इसको हम ट्रिक से करना चाहें तो a की वैल्यू हम 1 ले लें, b की वैल्यू भी 1 ले लें, c की वैल्यू भी 1 ले लें, तो ये क्या 1² 1² 1² 3 हो जाएगा, 3 जाए 9 हो गया, यहाँ 1 1 1 ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर ए भी 9 हो जाएगा। आप ए बी सी की वैल्यू 2 और 2 2 भी ले सकते हो, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 4 4 6 8 हो गया, 8 4 कितना हुआ 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। यहाँ आप ए बी सी ऐड करोगे 2 और 2 और 2 तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर भी 36। इस तरह ये क्या हो रहा है, इक्वल वैल्यू लेने पे क्या हो रहा है, ये आपका सेट कर रहा है। तो इस तरह इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। अब इसको रही सॉल्व करने के बाद, तो सॉल्व कर भी हम इसको चाहें तो इसको कंप्लीट ये होल स्क्वायर करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे दिया है 3a² प्लस b² c², इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होगा, सबको इधर लेके आएंगे तो 3a² था, इसमें से a² ये माइनस होगा तो क्या बचेगा 2a², उस तरह ये 2b² बचेगा 2c², ये टर्म तीनों इधर आएंगे, ट्रांसपोज होकर माइनस इनका साइन इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये 2a² दिया है तो इसको दो जगह ब्रेक कर देंगे, a² और a² में, a² एक किसके साथ लेंगे, एक c के साथ, यहाँ ले लेंगे हम a², उस तरह b² ब्रेक होगा, एक b² यहाँ होगा, एक b² इसके साथ है, उस तरह c² ब्रेक होगा, c² और c² दो जगह, तो इससे क्या हुआ आपका a² यहाँ से लिया और 2ab यहाँ से लिया और ये b², तो a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया, उस तरह b² माइनस 2bc प्लस c², उस तरह c² माइनस 2ca प्लस c, इसको आप करोगे तो यही चीज़ आएगी। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या बना, b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या बना, c माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये अभी भी बताया, पीछे मैंने एक आपके उसमें बताया हुआ है पार्ट में, इसके पहले वाले पार्ट में, कि a माइनस बी दो का
ये वहाँ था स्क्वायर, यहाँ तीन का नंबर का स्क्वायर का सम कब स्क्वायर होगा आपका, ये आपका जीरो कब होगा, जब ये इंडिविजुअली जीरो होंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, और तीन चीज़ पॉजिटिव को ऐड करने पे जीरो कभी नहीं होगा। कब जीरो होगा, जब इंडिविजुअल जीरो होंगे, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी जीरो, सी माइनस ए जीरो होगा। जब ए माइनस बी जीरो तो ए बी हो, ए इक्वल टू बी हो गया, बी माइनस सी जीरो तो बी इक्वल टू सी हो गया, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो तो सी इक्वल टू ए, तो इससे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज हो जाएगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तो ये ऑप्शन इसमें फिर भी ए आ जाएगा। और इस ट्रिक से भी बताया तो आप लोग पुट करके जैसे ये बता दिया कि ये भी ट्रेडिशनल मेथड भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पुट करके जनरली नहीं हो पाता है। इसमें दिया है कि दिस इक्वल टू वन और दिस इक्वल टू जीरो दिया है, और ये निकालना पी क्यू आर और ए बी सी नॉन जीरो है, तो ये वैल्यू निकालना। अब देखो पी बाई ए का होल स्क्वायर, तो पी बाई ए दिया है, ये क्यू बाई बी, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ए बी सी हो जाएगा का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो चाहिए वो मिल गया यहाँ पे। प्लस क्या आएगा, टू आएगा आपका, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, हम टू क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा आपका पी क्यू अपॉन, ये क्या बनेगा ए बी बनेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से क्या बनेगा क्यू आर अपॉन यहाँ से बी सी बन जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा पी आर अपॉन यहाँ से क्या बनेगा ए सी बनेगा। अब इसको ये चीज़ तो चाहिए हमको, ये हमको लानी है, इक्वल टू इधर क्या आएगा वन आएगा, अब ये चाहिए हमको, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये क्या बन रहा है, इसको हम ध्यान से देखें तो ये टू बनेगा, यहाँ क्या बन जाएगा ए बी सी आ जाएगा, सी एम हमारा ए बी सी, तो ए बी सी जब हम डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा, बी इंटू क्या बचेगा ये आप पी बी पी क्यू पी ए पी क्यू बचेगा, अब प्लस यहाँ से बी सी से करेंगे तो क्या ए बचेगा, तो ए क्या बचेगा क्यू आर बचेगा, प्लस यहाँ से ए सी से करेंगे तो ये आपका क्या आएगा बी आएगा, ये आपका ए बी हो गया, तो ए बी में यहाँ पे सी बचता है, यहाँ पे सी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ ए सी में क्या बचेगा आपका बी बचेगा, तो बी क्या बचेगा यहाँ पे पी और आर हो जाएगा। अब ये चीज़ लाने के लिए क्या इसका यूज नहीं हुआ कहीं, तो इसमें हम एल सी एम लेते हैं यहाँ पे, तो एल सी एम यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पी क्यू आर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से पी से आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा क्यू इंटू आर, और ए से इंटू हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर। अब यहाँ देखो ए क्यू आर यहाँ आ रहा था आपका, उस तरह प्लस यहाँ से क्या करोगे क्यू से करोगे तो क्या हो जाएगा आपका पी आर इंटू बी हो जाएगा, बी इंटू पी आर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से हम करेंगे आर से तो क्या हो जाएगा पी क्यू इंटू सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा इक्वल टू क्या जीरो। ये टर्म यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो आ जाएगी। अब ये देखो यही टर्म ऊपर आ रही है, जो टर्म ये आ रही है वही टर्म, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये होल टर्म क्या जीरो हो गया, और जीरो से टू में करेंगे जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हुआ खत्म हो जाएगा, ये निकालना था और ये किसके इक्वल है वन के, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये पार्ट वन से मैंने जो शुरू किया आप लोगों का, पार्ट वन से लेके जो भी पार्ट आपका अभी चल रहा है उसमें सारे पेपर आपके पास्ट पेपर से लिए हैं, और पहले हमने ये 2010 में से लिया था क्वेश्चन, अब ये 2014 में से क्वेश्चन लिया हमने, 2014 का पेपर थोड़ा टफ आया हुआ था इसलिए हमने इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, क्योंकि इस साल जो 2016 का पेपर आया था काफ़ी ईजी पेपर आया था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल ईजी आया है तो हमेशा ईजी ही आएगा, तो अपने जो प्रिपरेशन करनी चाहिए टफ लेकर चलनी चाहिए, और ईजी आ जाओ तो अच्छी बात है। तो इस तरह हम पहले तो ये देखने चाहिए कि कम कौन सा पेपर आया, पास्ट पेपर से बहुत सारा हेल्प मिलता है, और एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट्स होते हैं या उसी टाइप्स के क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके देते हैं, तो आप लोग 2014 का पेपर जरूर सॉल्व कीजिए जितने पेपर दिए हुए हैं, तो उसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे आपको आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, और उसी में से मैं कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहा हूँ और ट्रिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसको देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोग जब देखोगे। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, कर रहे हैं इफ़ ये दिया है साइन अल्फ़ा प्लस आपका दिया है कोसेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू के इंटू टेन स्क्वायर। अब जिस बच्चे को ये एकेडमिक अच्छी तरह पढ़ा है और एन सी आर टी का जो टेंथ की एन सी आर टी है टेंथ का ट्रिगो का चैप्टर है एट, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या आता है सेवन आता है, ये प्रूफ करने के लिए सेवन, जिस जिसको ये बच्चे को पता होगा वो डायरेक्ट यहाँ क्या करेगा के की वैल्यू सेवन ही मार देगा। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको कैसे बताएंगे, देखो इसको जब क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे, जब होल स्क्वायर करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, अब प्लस ये क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, प्लस ये क्या होगा टू साइन अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा, कभी भी साइन अल्फ़ा इंटू कोसेक
अल्फा जो होता है एक वन होता है, क्योंकि कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन से कट गया तो ये वन आएगा, तो इन दोनों का इंटू वन हो गया तो ये क्या बचेगा, टू बचेगा, टू ए बी। सेम उसी तरह इसका करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये आपका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, और प्लस यहाँ भी क्या आएगा टू, क्योंकि कॉस अल्फा टू इंटू कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा, सेक अल्फा वन बाई कॉस आएगा फिर से, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये टू बचेगा केवल। अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कितना वन हो गया, अब ये टू और टू फोर, तो ये कितना फाइव मिल गया आपको, आपको लाना है टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ये कितने कोसेक में है सेक में है, तो कोसेक क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, और ये वो ये क्या होता है वन प्लस क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर अल्फा होता है, और ये प्लस फाइव बचा क्योंकि टू यहाँ से था टू यहाँ से, और ये इसकी वैल्यू वन आ रही थी, तो फाइव को मैंने यहाँ फाइव लिख दिया डायरेक्ट। अब फाइव वन और वन कितना टू और फाइव कितना सेवन हो गया, सेवन प्लस यही आ गया टेन स्क्वायर अल्फा, अब प्लस आपका हो गया कॉट स्क्वायर अल्फा जो आपका आ रहा है टेन और ये कॉट स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, के पूछ रहा था ये के की वैल्यू कितनी आ गई सेवन आ गई, तो इस तरह आ जाएगा। जो जिस बच्चे को जी एनसीईआरटी में आजकल क्या होता है कि जो आप एकेडमिक में पढ़े हो वही सब क्वेश्चन में से उठा के दे देते हैं, ट्रिगो का तो काफ़ी आपका जो टेंथ का ट्रिगो है चार्ट उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ही सेम सेम क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, तो जिसको वहाँ से नॉलेज अच्छी है तो वो बच्चा देखते ही कर लेगा। ये आशा करता हूँ कि जो भी हमने ट्रिक बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, और आप लोग इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर बताएं। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको चलते हुए कोई रास्ता भी आप किसी से पूछते हो और कोई बताता है कि ये रास्ता इधर से, तो आप उसको धन्यवाद बोलते हो, थैंक्स बोलते हो, तो आप जो वीडियो देखते हो किसी भी टीचर का वीडियो देखते हो और आपको उससे जो भी कुछ भी समझ में आता है कुछ भी सीखते हो, तो आपकी ये कर्सी बनती है कि आप कम से कम उसको थैंक्स बोलो, आप बताओ कि हाँ सर आपका वीडियो से हमको क्या फ़ायदा हुआ, तो उस टीचर का भी हौसला बढ़ता है और आगे आप ही के लिए काम करता है। अभी तक आपने माय सेल मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल का निशान आता है उसको भी क्लिक दें, उससे जो भी यहां से वीडियो अपलोड होगा उसका अलर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।